गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, आई एम योर कंप्यूटर टीचर संजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर द इंटरनेट। ओके, चैप्टर नंबर फोर द इंटरनेट। हियर यू कैन सी द कंटेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल सेवन टॉपिक्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज इंटरनेट, बेसिक टर्म्स ऑफ द इंटरनेट, सर्चिंग ऑफ द इंटरनेट, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द फॉर इंटरनेट यूज़र, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन्स। ओके, एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट द कमिंग एग्जाम इज मेनली बेस्ड ऑन MCQ बेस्ड। ओके, MCQ क्वेश्चन आंसर। सो ऑल ऑफ यू शुड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ओके, रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली टू आंसर द MCQ क्वेश्चन इन द एग्जाम। ओके, आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से बुक पढ़ना होगा ताकि आप लोग क्या एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हियर यू कैन सी द इंटरनेट एंड द यूजेस। यू मस्ट हैव प्लेड द गेम्स ऑन द पेरेंट्स मोबाइल। सम गेम्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द फोन एंड सम कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम द इंटरनेट। सो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ ए मीडियम थ्रू हुई यू कनेक्ट द कंप्यूटर एंड लोकेटेड द डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। दे आर कनेक्टेड सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक जरिया है। ओके, थ्रू कनेक्टेड द कंप्यूटर्स आर लोकेटेड डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स हम लोग एक वर्ल्ड के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं वाया इंटरनेट। ओके, इंटरनेट इज़ मेनली यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट कंप्यूटर्स एट लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, सो दे आर कनेक्टेड सो दे कैन शेयर फाइल्स इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज़ द मेनली बेसिकली व्हाट इज़ इंटरनेट। नाउ कम्स टू, सो व्हेन यू कनेक्ट द कंप्यूटर और मोबाइल टू द इंटरनेट यू कैन इंस्टॉल मोर मेनी मोर गेम्स। दैट मीन्स हम लोगों को मोबाइल अगर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और भी ज़्यादा गेम्स इंस्टॉल कर पाएंगे। द इंटरनेट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, टीम बर्नर्स-ली इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट। ओके, टीम बर्नर्स-ली इज द कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट इज, हियर यू कैन सी द यूज ऑफ इंटरनेट, द यूज ऑफ इंटरनेट। फर्स्ट पॉइंट इज सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, वी कैन ईजिली सर्च एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। दैट मीन्स हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ईजिली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। हम लोग ईमेल को भी सेंड कर सकते हैं और ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ओके, वॉच मूवीज सॉन्ग्स एंड वीडियोज़। वी कैन ईजिली वॉच मूवीज सॉन्ग्स एंड वीडियोज़ वाया इंटरनेट। ओके, प्ले गेम्स एंड डाउनलोड गेम्स। हम लोग इजी से कोई भी गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्ले उस गेम को खेल भी सकते हैं। ओके, बाय थिंग्स फ्रॉम वेरियस शॉपिंग वेबसाइट। नाउ हम लोग अभी क्या देखते हैं कि हम लोग इजी से कोई भी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं। ओके, बाय थिंग्स फ्रॉम वेरियस शॉपिंग वेबसाइट लाइक एनी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ओके, दिस आर द शॉपिंग वेबसाइट। नेक्स्ट इज बुक मूवी टिकट्स रेलवे टिकट्स एंड बस टिकट्स। ओके, दैट मीन्स वी कैन ईजिली नाउ इट इज़ वी कैन ईजिली बाई मूवी टिकट्स रेलवे टिकट्स बस टिकट्स एयर टिकट्स। ओके, एक्सेट्रा बाय यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट थिंग इज पे बिल्स फॉर मोबाइल्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट इज़ वी कैन ईजिली पे आवर ड्यू बिल्स बाय यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट इज चेक द एग्जाम रिजल्ट ऑनलाइन। नाउ इट इज़ वी कैन ईजिली चेक आवर रिजल्ट आवर एग्जाम रिजल्ट वाया इंटरनेट। ओके, सो दिज आर द यूज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, फर्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन सर्विस। इट सेव्स टाइम एज वी कैन डू मनी रिलेटेड वर्क ऑन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन एंड फास्ट। दैट मीन्स हम लोगों का जो अभी भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ईजी हो गया है। हम लोग कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, दैट मीन्स हम लोग बिना समय खर्च किए कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज
plethora of information. Plenty of information on any topic and any language can easily be obtained. That means हम लोग कहीं पे भी कुछ भी we can easily find any type of information, any type of information around the world. Okay, around the world हम लोग कोई भी information हम लोग कुछ भी information हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं भाई इंटरनेट. ओके, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, दैट मीन्स नाउ डेज वी कैन इजीली कॉल समवन, वीडियो कॉल समवन, ओके, अराउंड द वर्ल्ड भाई इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट इज इजी एंड क्विक शेयरिंग, दैट मीन्स वी कैन इजीली शेयर फाइल्स टू थ्रू आउट द इंटरनेट, थ्रू आउट द कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. ओके, ए पर्सन कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद एनी नंबर्स ऑफ पीपल थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड द इंटरनेट. इट कैन बी डन सिटिंग ऑन प्लेस एंड सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइपी, लिंक्डइन आर द स्मॉल सम एग्जाम्पल ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट फॉर ईजी एंड क्विक शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट. दैट मीन्स हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी फाइल्स, कोई भी कुछ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन. ओके, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स फेक न्यूज़. यू शुड नॉट रिले ऑन एवरी इन्फॉर्मेशन शोन ऑन द इंटरनेट, इट मे नॉट बी ट्रू. दैट मीन्स हम लोग नाउ डेज द फेक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन इंटरनेट. ओके, अवेलेबल इन इंटरनेट दैट मीन्स हम लोग कोई भी फेक न्यूज़ को हम लोग उसमें ट्रस्ट नहीं करेंगे. ओके, विदाउट जस्टिफाई एनीथिंग. ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ लॉसिंग ऑफ एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एज इट मे बी सिक्योर्ड एट टाइम्स. दैट मीन्स हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो कहीं आसानी से खो सकता है. ओके, कोई भी हम लोगों का सिस्टम हैक करके वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से स्टील कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ रिस्क, स्पेंडिंग मेनी मोर आवर्स ऑफ द इंटरनेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड स्टडीज. दैट मीन्स हम लोग अगर ज़्यादा देर तक इंटरनेट पे रहेंगे या कंप्यूटर में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएगा और स्टडी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. नेक्स्ट इज वायरस अटैक, समटाइम्स ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे अट्रैक्ट वायरस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ देयर टिप्ड और इम्पॉर्टेंट डेटा. दैट मीन्स जो वायरस अटैक है, वायरस अटैक होने से क्या होता है, हम लोग जो डेटा हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, डेटा वी कैन स्टोर द कंप्यूटर, इट ईजिली इन्फेक्टेड बाई द वायरस. ओके, दैट मीन्स कोई भी वायरस उसको इन्फेक्टेड कर सकता है एंड उसको चोरी भी कर सकता है. ओके, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट. नेक्स्ट इज बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट. ओके, बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट, फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www इज रेफर्स टू द ऑल पेजेस लिंक टू ईच एंड अदर ऑन द नेटवर्क इंटरनेट. दैट मीन्स जो हम लोग कॉन्टेंट हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, सब पेज के आगे हम लोग देखेंगे कि www लिखा होता है. दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, दैट मीन्स द ऑल पेजेस आर लिंक टू ईच अदर ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट इज सर्च इंजिन, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू सर्च इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. गूगल, याहू, ऑल्ट, विस्ता, बींग आर सम एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजिन. सर्च इंजिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन इजिली फाइंड एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई यूजिंग बाई टाइपिंग एनी टेक्स्ट ऑन द सर्च इंजिन. ओके, नेक्स्ट इज वेबसाइट, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड वेब पेज ऑन अ टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल youtube.com इज ए वेबसाइट टू वॉच वीडियोज. ओके, नेक्स्ट इज वेब पेज, इट इज़ ए वेब पेज और ए वेबसाइट, इट कैन कॉन्टेंट पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियोज एंड साउंड. सो दीज आर द मेनली बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट थिंग इज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. The internet helps us to searching information on a topic. Okay, now here you can see that some steps are given here. We need to follow these steps to search anything. Okay, on your computer or desktop, find the Google Chrome icon. That means we need to click on a browser and double click on it, and alternative you can double click on the open the Internet Explorer. That means these are the two example of web browser, Google Chrome and Internet Explorer. Okay, Google Chrome and Internet Explorer are the two example of browser.
Next is you need to search in a search bar, type national symbol of India and press the enter. Okay, national symbol of enter. Here you can see we type here national symbol of India and press enter. You will see the following information displayed on the computer screen. Next is you can click on the image tab. Here you can see all then image. Okay, all then image. You need to click on the image tab, then you see the different types of image here. Okay, different types of image here. So these are the mainly steps to be followed to search internet. Next thing is best practice for internet user, always fix up a time for limit for internet uses. That means हम लोगों को all time एक time fix कर लेना है जब हम लोग internet को use करेंगे. Next is use the internet in presence of your parents and teachers. That means हम लोग internet का use तभी करेंगे जब हम लोगों का parents and teachers सामने होगा तब. Okay, never reveal personal information like phone number, address or holiday plans on the internet. That means हम लोगों को कभी भी कोई भी personal information internet पे share नहीं करना चाहिए. Do not entertain emails और मैसेजेस फ्रॉम एनी अननोन सोर्स. दैट मीन्स हम लोगों को कोई भी अननोन सोर्स से जो ईमेल आता है उसको ओपन नहीं करना चाहिए. ओके, सो दिस आर द मेनली बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट यूज़र. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन. ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन्स. Anyone who use the internet called is digital citizen. Every digital citizen has some responsibility towards the society. A few responsibilities of a good digital citizen are here. First of all, you must report if you see anything wrong on the internet. You can report by clicking on the report tab on the website. That means जब भी हम लोग इंटरनेट को सर्फिंग करेंगे तब कोई भी कंटेंट हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक रिपोर्ट ऑप्शन होता है. अगर कोई भी कंटेंट हम लोगों को दिखाई दे के ये सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के खिलाफ है तो हम लोग उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं. डू नॉट यूज़ हैरस और एग्रेसिव लैंग्वेज ऑनलाइन. दैट मीन्स हम लोगों को कभी भी हैरस और एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए ऑनलाइन पे. डू नॉट डाउनलोड मूवीज़ और सॉन्ग्स दैट मेड आर अवेलेबल इलीगली ओवर द इंटरनेट. दैट मीन्स हम लोगों को कभी भी कोई भी सॉन्ग मूवी इलीगली तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए. डू नॉट सेंड थ्रेटिंग ईमेल्स और इमेज टू एनीवन. दैट मींस हम लोग किसी को भी थ्रेटिंग ईमेल्स और मैसेजेस नहीं सेंड करेंगे. डू नॉट पुट योर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ऑन और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. हम लोग कभी भी हम लोगों के पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल कॉन्वर्सेशन है वो हम लोग इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं करेंगे. ओके, सो दिस आर द मेनली 4 points, 5 points for a good digital citizens. Okay, so I hope that all of you understand this chapter. And from starting the video, I told you that the exam is mainly MCQ based question answer. Okay, MCQ based question answer. So all of you need to read the chapter very very carefully. Okay, very very carefully to answer in exam. Okay. So today I am ending my discussion here. I will discuss the exercise question answer in my next video. So till then, take care, goodbye, thank you.